नमस्कार। आज इस छोटे से समारोह के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा जारी समारोह कोई भी छोटा नहीं होता है, समारोह समारोह होता है। सरदार पोस्ट एक शौर्य गाथा नामक कॉमिक बुक का विमोचन किया जाएगा। इस बल के ऐतिहासिक कृत्यों के एवं शूरवीरों के शौर्य गाथाओं को इस देश के नागरिकों एवं युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बल के द्वारा एक अनूठा प्रयास किया गया है। कॉमिकों की श्रृंखला में यह पहली कॉमिक है जिसका विमोचन माननीय गृहमंत्री महोदय द्वारा कुछ ही पलों में किया जाएगा। सर्वप्रथम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक महोदय से निवेदन है कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय श्री किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमाध्यम के प्रतिनिधियों, आज हमारे लिए बहुत गर्व के विषय है कि माननीय गृह मंत्री CRP शौर्य गाथा सीरीज के पहले कॉमिक बुक का उन्मोचन करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि पिछले डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री ये आग्रह किए थे कि पुलिस के जितने मार्टियर्स होते हैं उनके बारे में देश में सबको पहचान हो और इसके लिए उनके जो शौर्य गाथाएं हैं उसको सब तक पहुंचाया जाए। इस प्रयास में हम लोग CRP की तरफ से ये शौर्य गाथा सीरीज निकालने की कोशिश किए हैं और आज जो किताब उन्मोचित होगा वो सरदार पोस्ट की बहादुरी के ऊपर है। और माननीय गृहमंत्री जब हमारे रेजिंग डे परेड पर आए थे वहाँ पे उन्होंने सरदार पोस्ट में भाग लेने वाले एक वीर सब इंस्पेक्टर श्री चौधरी को भवानी शंकर चौधरी को सम्मानित किए थे और आज हमें गर्व है कि उन्हीं के हाथों ये किताब उन्मोचित होने जा रहा है। मैं माननीय गृहमंत्री को अनुरोध करूँगा कि किताब का उन्मोचन करें और फिर हमें दो शब्द बोलने का कृपा करें। जय। गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, डायरेक्टर जनरल CRPF श्री प्रकाश जी मिश्र, डायरेक्टर जनरल CISF श्री सुरेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, सबसे पहले थे तो मैं DG CRPF को बधाई देना चाहता हूँ इस एक नई पहल के लिए। संभवतः इस प्रकार की पहल कभी इसके पहले नहीं हुई है, इसीलिए मैंने इसको कहा कि एक नई पहल है। इस कॉमिक बुक के माध्यम से अपने CRPF के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है रौनक कक्ष के सरदार पोस्ट पर, उसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं। वैसे CRPF ने कई ऐतिहासिक कार्य इसके पहले भी किए हैं, बहुत डिटेल में जाकर उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सरदार पोस्ट की यादें आज भी लोगों को ताजा हैं। CRPF की दो कंपनियों ने पूरी एक बटालियन पाकिस्तान की, उसे पानी पिला दिया, 34 पाकिस्तान के जवान मारे गए, लेकिन CRPF के भी हमारे 6 जवान उसमें शहीद हुए थे। और इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्यों की मैं चर्चा करूं तो उन महत्वपूर्ण कार्यों में एक
जैसे हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चीनी हमले के समय भी ऐसा ही करिश्माई काम किया था सीआरपीएफ के लोगों ने, यह सरदार पोस्ट का जो यह घटना हुई थी वो 1965 की है। उसी प्रकार 1971 में बांग्लादेश युद्ध में भी भागीदारी इनकी रही है और 2001 में भी संसद पर जो हम आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी सीआरपीएफ के जवानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज मैं कह सकता हूं कि माओवादी क्षेत्रों में और साथ ही साथ कश्मीर में भी आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार की अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह यह सीआरपीएफ कर रही है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आज ये सभी मानने को मजबूर हैं कि वामपंथी उग्रवादियों की घटनाओं में काफी अब कमी आ गई है। लोग स्वीकार करते हैं कि उसमें लगभग 35% की अब कमी आ चुकी है वामपंथ के प्रभाव में। यह भी श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो सीआरपीएफ को ही यह श्रेय विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर यह जो कॉमिक बुक हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था उसके संबंध में सरदार पोस्ट पर जो निकाली जा रही है उसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि इससे देश के बच्चों में नौजवानों में एक मोटिवेशन जो होना चाहिए वो होगा और साथ ही वो भी समझ सकेंगे कि किस प्रकार से हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए जवान जो इस प्रकार की भूमिकाएं निभा रहे हैं जो अपना बलिदान करने को भी तैयार रहते हैं और जिस साहस का वो परिचय देते हैं स्वाभाविक रूप से उनका भी एक मोटिवेशन होगा ऐसा मेरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर इससे ज्यादा और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः इस कॉमिक बुक के लिए डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ और सीआरपीएफ पूरी फैमिली को अपनी तरफ से बधाई देता हूं।